लोकेशन कोई दूसरी होगी, क्योंकि अगर लैंड नहीं है या बिल्डिंग नहीं है, इंस्टीट्यूट तो है, मुस्लिम वोट तो हमेशा जिंदा रहेगा। सुभाष घई को लगा है डबल झटका। सबसे पहले जहां उनके मुंबई का फिल्म इंस्टीट्यूट विवादों में घिरा, वहीं अब खबर आ रही है कि सुभाष घई को शायद नहीं मिलेगी दूसरी लोकेशन, हरियाणा में जमीन। हरियाणा के झज्जर में सुभाष घई इंस्टीट्यूट खोलने वाले थे, जिसे लेकर काफी बातें भी हो रही थी, और घई साहब हरियाणा के सीएम से भी मिले थे। लेकिन अब पंजाब हरियाणा कोर्ट ने फैसला किया है कि फिलहाल सुभाष घई की जमीन पर रोक लगा दी जाए, लिहाजा हरियाणा में घई साहब का इंस्टीट्यूट खोलने का सपना लगता है फिलहाल पूरा नहीं होगा। वैसे इससे पहले भी उनको जमीन के मामले में चोट लग चुकी है। मुंबई में सुभाष घई के फिल्म इंस्टीट्यूट का लैंड ऑलरेडी विवादों में घिरा हुआ है, जिसके चलते उन्हें जमीन वापस करने और 79 क्रॉस देने की मांग पहले भी की जा चुकी है। घई वाज स्लैप्ड विद अ लीगल नोटिस बाय फिल्म सिटी फॉर अनलॉफुली मॉर्टगेजिंग गवर्नमेंट लैंड एंड कॉजिंग अ लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर। वैसे घई साहब ने अपनी बिगड़ रही छवि और हाथ से जा रही लैंड के लिए अपने सपोर्ट में कुछ समय पहले काफी फिल्मी हस्तियों को इकट्ठा किया था, जिनमें अमोल गुप्ते और शबाना आजमी जैसी नामी हस्तियां भी शामिल थीं। उस वक्त हर कोई घई साहब के सपोर्ट में खड़ा हो गया था, लेकिन अब झज्जर के झटके के बाद लगता है सुभाष घई को दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा सपोर्ट, क्योंकि मुंबई का लैंड तो हाथ से जा ही रहा है, और तो और हरियाणा का भी कोई ठिकाना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।